तो सनराइज भी हो चुका है तो खूबसूरत सा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जो है हल्दी है, सुबह हल्दी शाम को मेहंदी। तो हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, आधे लोग अभी नहाने में ही है। मेहमान भी आधे से ज़्यादा कल आ गए थे, मतलब बुआ लोग आ गए थे, मामा लोग आ गए थे और गांव से चाची आई हुई थी। और शाम को हम लोग बैठ के ऐसे थोड़ा डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अब फाइनली मतलब वो दिन ख़त्म हो चुके हैं कि एक दिन बचा, दो दिन बचा, क्योंकि आज के बाद कल शादी है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ पे आधी माला तो हमने आधी क्या गेट पे लगा दी थी कल, दो तीन माला है, फिर हमारे कम पड़ेगी थी क्योंकि माला बनी नहीं थी, तो आज लगाएंगे। ये पूरी रेडी है, वो वाली भी पूरी रेडी हो तो लग रहा है लगा ऐसे लटका लटका के सूख गई है। तो ये अम्मा तो अभी हम लगा रहे हैं मालाएं क्योंकि आधी लगाए थे गोबिले है इधर, इसमें लगाना है, इसमें लटकाना है ऊपर। ये कैसे, ये इसको तो नीचे कर दे ना। हाँ अब नीचे कर दो इसको, ये पूरा ऐसे ही रखे नहीं, गेट के इधर ही रख इसको, इसको तो खुला ही रहना है। हाँ ये भी नीचे है। हाँ बीच में एक था ना। हाँ नहीं कल हमने पूरा लटकाया था इसको, लेकिन नहीं नहीं वो कम पड़ गई थी तो माने ऐसे कर दिया। कम की पड़ी थी है? सही तो कम की पड़ी, कम पड़ी मतलब कि ऐसे पूरा ये बनी नहीं थी, ये आधी हो रही थी। वाली लंबी, बड़ी वाली ऐसे। हाँ पहले बड़ी वाली लगा ले, पकड़ू मैं बाकी। ये भी मेरी है ना। चेयर ले लेने तो। अरे वाह वाह वाह, पहुंच गया, अरे पहुंच गया। नहीं नहीं ऊपर ऊपर कोई, अच्छा बस ठीक है। हाँ 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 छोड़ दे इसको। अच्छा ये वाली लटकानी है क्या, लंबी वाली? और क्या, अच्छा अच्छा कुछ ना, छोटी बड़ी जाएंगी तुम्हारी है? तुम्हारी माला ना छोटी बड़ी जाएंगी। ये गेट में दिक्कत तो नहीं करेगी ऐसे, या दोनों में अलग अलग पार्ट कर देना। ये गेट को उस इस माला को उधर ही गेट में कर, खोलने वोलने में ये करेगी तो। ये नहीं नहीं खुल तो जाएंगी, नहीं तो खिसका के उतना तागा वहीं बांध दे। हाँ हाँ ये तो है, इसको नीचे को ही लटका दे, यहीं से छोड़ दे इसको ऐसे ही। तो हमारा पूरा गेट जो है डेकोरेट हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग है क्योंकि मालाएं पूरी अच्छे से बनी नहीं है, यहाँ पे लास्ट में कम पड़ गई थी और अभी इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि हल्दी थोड़ी 9-10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा है। इधर पर हमने पहले कल किया था तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से हुआ है। देखो पीछे कितना मस्त मस्त ग्रीन ग्रीन हो रहा है और सूरज की रोशनी आ रही है और इनके इतने मजे हो रहे कुत्तों के। ये दोनों भी आ गए, छोटे मामा की लड़की और मौसी की लड़की। नहा लिया? खोल सकती हूँ? अरे मैंने सोचा वहीं पे रखा था क्योंकि कल टांगा था ना। ये रहा शादी वाला घर, उमा ने बनाया। हाँ अपनी शादी की तैयारी। अरे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है ना। बीच की माला हटा दे, जो इधर उधर करी है उसको हटा दे, अच्छा लगेगा इधर उधर से ये और बीच में ये है ना। राहुल इतनी मौज हो रही ना, ये आजादी मिली इसको आज। ओ बालू क्या तेरी गैंग आ गई, जा ससुराल की हल्दी। इसकी सास ने कहा थोड़ा लगाना फिर उगा देना। बल तेरे ससुर दे रहा है वो? नहीं नहीं वो देते हैं ना, अच्छा लड़के के यहाँ से आती है। अच्छा
तो गेट को पूरा डेकोरेट करने के बाद अर्जुन ने जो है दरवाजों को भी डेकोरेट कर दिया था क्योंकि मालाएं बनी हुई थी। उसके बाद भाई लोग सारे गद्दे वद्दे पहुंचा रहे थे जहां भी रहने का इंतजाम किया था क्योंकि छोटे मोटे काम रहते ही हैं घर पे शादी के टाइम पे। और उमा के कुत्तों की तो बहुत ही मौज हो रही है क्योंकि इनको आज आज़ादी मिली हुई है, गेट खुला है। फिर उसके बाद जितनी भी मालाएँ बच गई मैंने उसको क्या किया कि मतलब रेलिंग्स वगैरह डेकोरेट कर दी ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लुक आए। तो अब मैं आपको फाइनल वीडियो दिखाऊंगी क्योंकि पूरे घर की ना प्रॉपर वे में वीडियो नहीं बनाई है तो सिर्फ गेट वाला पोर्शन मैंने रिकॉर्ड किया था तो वो मैं आपको दिखाती हूँ।